हेलो किड्स नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सिक्स द मिस्टीरियस लंच बॉक्स ठीक है अब हम क्या करेंगे सिक्स चैप्टर की बुक एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे ए पार्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन ठीक है राइट ऑप्शन पे क्या करेंगे हम टिक करेंगे नंबर वन इज़ हाउ डिड रिद्धि गेट अ न्यू लंच बॉक्स रिद्धि को नया लंच बॉक्स कैसे मिला था ए हर मदर बॉट अ न्यू वन फॉर हर। उसकी मदर ने उसके लिए न्यू परचेज किया था बी रिद्धि बॉट अ न्यू वन बाय सेविंग हर पॉकेट मनी और रिद्धि ने अपनी पॉकेट मनी को सेव करके उस लंच बॉक्स को बाय किया था तो आपने स्टोरी पढ़ी है ये तो कैसे लिया था रिद्धि ने अपनी पॉकेट मनी को सेव करके उस लंच बॉक्स को बाय किया था सो द राइट ऑप्शन इज बी नंबर टू व्हाट डिड रिद्धि मदर ऑलवेज पैक इन हर लंच बॉक्स रिद्धि की मदर हमेशा लंच बॉक्स में क्या पैक करती थी ए सैंडविच बी बर्गर एंड पिज़्ज़ा तो रिद्धि की मदर क्या करती थी हमेशा सैंडविच ठीक है उसकी मदर हमेशा उसके लंच बॉक्स में सैंडविच ही पैक करती थी सो द राइट आंसर इज सैंडविच नंबर थ्री विद होम वॉस रिद्धि लंच बॉक्स गेटिंग मिक्सड अप किसके साथ रिद्धि का लंच बॉक्स मिक्सअप हो गया था ए अमित बी सुमित तो किसके साथ हुआ था अमित के साथ हुआ था अमित वॉज हर फ्रेंड अमित उसका फ्रेंड था उसके साथ उसका लंच बॉक्स मिक्सअप हो गया था नंबर फोर एवरी मॉर्निंग रिद्धि चेकड हर लंच बॉक्स एट हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग डेली रिद्धि अपना लंच बॉक्स कहाँ पे चेक करती थी ए स्कूल बी द बस स्टॉप सो द राइट आंसर इज द बस स्टॉप रिद्धि अपना लंच बॉक्स डेली बस स्टॉप पे चेक करती थी बी पार्ट इज लुक एट द सेंटेंसेस राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द ब्रैकेट्स री राइट द करेक्ट सेंटेंस इज अंडर ईच रॉन्ग वन जो राइट right सेंटेंस है उनके आगे टी राइट करना है और जो रॉन्ग सेंटेंस है उनके आगे एफ राइट करना है और उनके आगे क्या करना है हमें राइट ऑप्शन भी राइट करना है नंबर वन रिद्धि सेव्स हर मनी इन बैंक रिद्धि अपनी मनी को पॉकेट मनी को बैंक में सेव करती थी नो इट्स फॉल्स कहाँ करती थी वो इन अ पिगी बैंक ठीक है अपने पिगी बैंक में करती थी सो वी विल राइट हेयर रिद्धि सेव्स हर मनी इन अ पिगी बैंक बट वेन यू विल लर्न ट्रू फॉल्स यू हैव टू लर्न ओनली ट्रू एंड फॉल्स यू विल नॉट लर्न दी सेंटेंसेज करेक्ट सेंटेंसेज ठीक है बस आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है ये रॉन्ग है या राइट right है आपको ये लाइन्स लर्न नहीं कर ठीक है इट्स फॉर योर नॉलेज ओनली तो रिद्धि अपनी मनी बैंक में सेव नहीं करती थी ये सेंटेंस फॉल्स है तो रिद्धि अपनी मनी कहाँ सेव करती थी ये ना पिगी बैंक नंबर टू इज लंच बॉक्स इज ब्लू इन कलर रिद्धि का लंच बॉक्स ब्लू कलर का था इट्स फॉल्स ठीक है किस कलर का था इज लंच बॉक्स इज पिंक इन कलर जो रिद्धि का लंच बॉक्स था वो पिंक कलर का था

इट्स ट्रू सो वी विल राइट यर टी थ्री सिल्वर रिंग्स बनी हुई थी उसके पिंक कलर के लंच बॉक्स के ऊपर नंबर फाइव रिद्धि वेन टू कैंटीन फॉर द लंच रिद्धि अपना लंच करने के लिए कहाँ पे गई कैंटीन में गई यस इट्स ट्रू रिद्धि अपना लंच बॉक्स लेके कहाँ चली गई थी कैंटीन में गई थी नंबर सिक्स रिद्धि लवस टू हैव चपातीज इन लंच तो रिद्धि को अपने लंच बॉक्स में चपातीज पसंद थी इट्स फॉल्स क्या पसंद था उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड पसंद था उसको अलग अलग तरह का खाना चाहिए था सो रिद्धि लव्स टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ूड इन लंच ठीक है उसको चपातीज या सैंडविच अच्छे नहीं लगते थे उसको डेली क्या था डिफ़रेंट डिफरेंट काइंड का फूड अच्छा लगता था नंबर सेवन अमित इज़ फॉन्ड ऑफ सैंडविचेज़ अमित को सैंडविच अच्छे लगते थे उसको पसंद थे खाने यस इट्स ट्रू अमित को सैंडविच खाने बहुत अच्छे लगते थे नंबर एट इज बेस्ट डिस्कवरी इज फाइंडिंग अ न्यू फ्रेंड रिद्धि की बेस्ट डिस्कवरी क्या थी उसने क्या ढूंढ लिया था एक न्यू फ्रेंड यस इट्स ट्रू उसको एक न्यू फ्रेंड मिल गया था हिज नेम वॉज दीज आर द्रू फॉल्स नाउ पार्ट सी इज फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स को फिल करेंगे ऑन इट पिंक बॉक्स के ऊपर थ्री किस कलर के सर्कल थे सिल्वर सर्कल्स ऑन इट द पिंक बॉक्स हैड थ्री सिल्वर सर्कल्स ऑन इट नंबर टू रिद्धि पुट हर बॉक्स केयरफुली ऑन हर डैश डेस्क रिद्धि ने अपना लंच बॉक्स कहाँ पे रख दिया डेस्क के ऊपर रखा रिद्धि पुट हर बॉक्स केयरफुली ऑन हर डेस्क नंबर थ्री माई डैश मस्ट बी मैजिकल रिद्धि सेट रिद्धि ने क्या कहा कि मेरा क्या होगा मैजिकल लंच बॉक्स क्योंकि उसको डेली अब क्या था न्यू न्यू फूड मिलने लग गया था उस लंच बॉक्स में तो वो क्या सोचने लगी कि उसका जो लंच बॉक्स है वो क्या होगा मैजिकल माय लंच बॉक्स मस्ट बी मैजिकल रिद्धि सेट नंबर फोर अमित मदर पैक्ट डैश एवरी डे फॉर हिज लंच अमित की मदर लंच में डेली क्या पैक करती थी दैट इज लेफ्ट ओवर्स लेफ्ट ओवर मीन जो फूड रात को बच जाता था वो उसके लंच बॉक्स में सुबह वो पैक कर देती थी अमित मदर पैक्ड लेफ्ट ओवर एवरी डे फॉर हिज लंच ठीक है जो अमित की मदर थी वो डेली लेफ्ट ओवर बचा हुआ रात का खाना उसके लंच बॉक्स में क्या करती थी पैक करती थी नंबर फाइव रिद्धिज बेस्ट डिस्कवरी वॉज मैजिकली फाइंडिंग अ न्यू डैश रिद्धि की बेस्ट डिस्कवरी क्या थी क्या ढूंढा था उसने एक न्यू फ्रेंड उसको एक न्यू फ्रेंड मिल गया था जिसका नेम क्या था अमिता सो यू हैव टू रीड द चैप्टर सिक्स द मिस्टीरियस लंच बॉक्स ओके एंड यू हैव टू लर्न दिस एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द Blanks also. Okay?